हेलो गाइस, तो मैंने केक बनाया और केक बहुत ही टेस्टी दिख रहा है दिखने में। और आप इसको किसी भी बर्थडे पार्टी या किसी भी फंक्शन में अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही और बिल्कुल इजी मेथड से बनने वाली रेसिपी है, तो आप देख सकते हैं। आप भी अगर इस केक को बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे और कोई भी इस केक को बना सकता है। तो मैंने बिस्किट का ही केक बनाया था, तो हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है केक हम लोग का। खाने में भी मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी केक बना है, बहुत यमी। आप किसी भी छोटे या बड़े फंक्शन में इसको जरूर एंजॉय करें। बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली रेसिपी है, तो हम इसको 2 मिनट में बना लेंगे केक को। तो मैंने केक बनाने के लिए बिस्किट लिए हैं और बिस्किट देख सकते हैं चॉकलेटी है, तो मैंने 3 बिस्किट ले लिए हैं। तो अब मैंने जो बिस्किट थे उनको निकाल लिया और ये मिक्सी जार लिया है, तो बिस्किटों को इसके अंदर डालेंगे और इनको पीस लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैंने बिस्किटों को पीस लिया है। तो अभी मैंने शुगर पाउडर लिया है, तो शुगर को भी इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मीठा सोडा लिया है, इसको भी इसके अंदर डाल लेंगे। और ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, इसको भी इसके अंदर डाल लेंगे। और ये मैंने दूध लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे हम और इसको मिक्स कर लेंगे। और हमें इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालना है। तो आप देख सकते हैं दूध डाल लिया है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी बन चुकी है, केक के अकॉर्डिंग बन चुकी है इसकी। तो आप देख सकते हैं मैंने कुकर के अंदर स्टैंड लगा दिया है और जो मैंने सीटी होती है कुकर की वो निकाल दी है। तो ये मैंने स्टैंड लिया है, तो ये मैंने ऑयल लिया है, तो ऑयल को इसके अंदर लगा लेंगे। हमें पूरी साइड, जो हम लोगों की पूरी जो साइड है उसके अंदर हमें ऑयल लगा लेना है। तो ऑयल लग चुका है, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे और ऑयल लगा लिया है अच्छे से। तो इसके अंदर हमें बटर पेपर लिया है, तो बटर पेपर को भी लगा देना है और इसके ऊपर भी हमें ऑयल लगाना है। चारों ओर हमें इसके ऑयल लगा लेना है। तो हमें ऑयल लगा लिया है चारों तरफ, तो ऑयल लग चुका है। तो ये ऑयल लग के तैयार हो चुका है, तो मैंने पेस्ट लिया है, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम लोग पूरा सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं केक अच्छे से सेट हो चुका है। तो ये मैंने स्टैंड लिया है, तो स्टैंड के अंदर इसको रख देंगे। तो मैंने इसके अंदर रख दिया है और जो कुकर का ढक्कन है उसे लगा देना है और इसकी सीटी भी हमें निकाल लेनी है। देख सकते हैं हम लोग इसको चेक करते हैं हम लोग का केक बन के तैयार हुआ है नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं हम लोग का केक बन के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने ठंडा होने के लिए इसे रख दिया है। तो अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने बिस्किट का बुरादा बना लिया और उसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। देख सकते हैं तो कितना अच्छा केक लग रहा है हम लोग का। तो ये मैंने नारियल का पाउडर लिया है, तो इसको भी डेकोरेट करने के लिए लगा देंगे। तो हमें ऐसे लाइनें बना लेनी है और लाइनों से हमें डिज़ाइन कर लेनी है इसकी। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी है इसको डेकोरेट करना। तो हमें इसको दूसरे साइड से भी लाइन बनानी है जिससे और भी अच्छा दिखने में लगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है केक। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिज़ाइन लग रही है इसकी। तो आप इस तरीके से अगर घर में केक बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसको डेकोरेट भी आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। घर पे कुछ भी सामान उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने, तो हमें टूटी फ्रूटी से इसको डेकोरेट कर लेना है। आप इसको किसी भी पार्टी में इंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला केक है ये। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेंगी। तो आप देख सकते हैं हम लोग का डेकोरेट हो चुका है और बीच में मैंने इसके अंदर चेरी भी लगा दी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।